बीएससी थर्ड ईयर का जो पेपर थर्ड है, आज हम लोग उसके बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। और सबसे हम पहले हम लोग पादप पारिस्थितिकी या प्लांट इकोलॉजी का सामान्य परिचय देंगे। इकोलॉजी शब्द जो होता है, सबसे पहले हम इसको परिभाषित करेंगे। इकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ओकोस एंड लोगोस, या हम कह सकते हैं जो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का गठन ग्रीक भाषा के दो शब्द एकोस और लोगोस को संयुक्त करके किया गया है। यहाँ पर हिंदी में एकोस का शब्द होता है घर या आवास स्थान, तथा लोगोस का अर्थ होता है अज्ञान। अतः हम कह सकते हैं, अगर हम इसको शाब्दिक अर्थ से देखें तो पारिस्थितिकी का तात्पर्य होता है सजीवों का अपने मूल आवास स्थान पर अध्ययन, या स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद रिस्पेक्ट टू देयर हाउस और ड्वेलिंग प्लेस। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं इकोलॉजी क्या है। ये जो विभिन्न सजीव हैं और उनके पर्यावरण के बीच में जो आपसी संबंध हैं, जब उसको अध्ययन किया जाता है तो उसको इकोलॉजी कह सकते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विज्ञान की ये वह शाखा जिसके अंतर्गत पर्यावरण तथा सजीवों के बीच होने वाले पारस्परिक क्रियाओं या इंटरैक्शंस का अध्ययन किया जाता है, उसको इकोलॉजी कहा जाता है। अब हम लोग जो इकोलॉजी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें कुछ शब्द जो होते हैं, जैसे स्पीशीज़ है, कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है, बायोम है, वेजिटेशन हैबिटेट है, इन और अन्य उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो स्पीशीज़ क्या होता है? ये स्पीशीज़ जो होती है, ये यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन जो किसी जगह पे पाई जाती है, उसको हम लोग स्पीशीज़ कहते हैं। मतलब वो जातियाँ जो आपस में जिनमें ब्रीडिंग संभव होती है, उनको हम लोग स्पीशीज़ कहते हैं। इसके बाद आता है एक शब्द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है कि ये हम कह सकते हैं जो सजीव समूह होते हैं, जब उसमें एक ही प्रजाति उपस्थित होती है तो उस सजीव समूह को हम लोग समष्टि या जीव संख्या या पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन जब विभिन्न प्रजातियों के समूह एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाएं तो उससे एक कम्युनिटी का निर्माण होता है। बायोम जो होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रकार की कम्युनिटी होती है जिसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग फिर से बाद में बात करेंगे, जिसमें परिपक्वता या जो मैच्योरिटी के डिफरेंट लेवल्स जो है, या सक्सेशन के डिफरेंट स्टेजेस जो हैं पाए जाते हैं, और ये सभी एक ही एनवायरमेंटल कंडीशंस में पाई जाती हैं, इसको हम लोग बायोम कहते हैं। और वेजिटेशन क्या होता है कि जहाँ पर कलेक्टिव ग्रोथ प्लांट्स की हो रही है किसी एक स्थान पर, उसको हम लोग वेजिटेशन कहते हैं। और वो स्थान जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, उसको हम लोग हैबिटेट कहते हैं, कि ये उस जीव का हैबिटेट है, जहाँ पर वो प्राणी या वो जीव पाया जाता है, वो उसका हैबिटेट होता है। अब कुछ अन्य टर्मिनोलॉजी के शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे फैक्टर होता है, स्टैंडिंग स्टेट होता है, और बायोमास क्या होता है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर कोई भी एक्सटर्नल या बाहरी फोर्स हो सकती है, सब्सटेंस हो सकती है, या कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करती है, उसको फैक्टर कहा जा सकता है। और स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे मिनरल्स हो सकते हैं, फॉस्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, किसी भी गिवन टाइम पर एनवायरनमेंट जो है उसमें पाया जाता है, किसी भी इकोसिस्टम में पाया जाता है, उसको स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। और बायोमास क्या होता है? ये टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल, जो जीवित मटेरियल किसी भी जगह पर यूनिट जो वेट पर यूनिट एरिया के हिसाब से, उसको हम लोग बायोमास कहते हैं। जो किसी भी जगह पे किसी एक विशेष टाइम पर उपस्थित होता है, वो वहाँ का बायोमास होता है। इसके बाद इकोलॉजी को हम लोग अलग अलग तरह से क्लासिफाई भी कर सकते हैं। इसकी अलग अलग तरीके की एफिनिटीज, इसको अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जाता है। जैसे ये पहले
प्रारंभिक जो इसका अध्ययन शुरू हुआ तो उसमें प्रारंभिक चरणों में पौधों और जंतुओं को पृथक रूप से अध्ययन किया जाता था, जिसको हम लोग प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी कहा जाता था। परंतु जैसे जैसे आधुनिक समय में इस विषय का अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि दोनों ही जो सजीव इकाई हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, इनको एक साथ रख कर अध्ययन किया जाता है। और इसी कारण से जीव विज्ञान की जो ये नई शाखा है, इसको इसमें सभी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स का और उसका जो उनके आपस में जो पारस्परिक संबंध है और उनका पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, उसको एक साथ अध्ययन करते हैं, और इसी अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आवास के आधार पर भी इकोलॉजी को या इसको हम लोग पारिस्थितिकी वैज्ञानिक को कई बार इसको आवास के आधार पर भी अध्ययन करने पर जोर देते हैं। आवास की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग हैबिटेट इकोलॉजी कह सकते हैं, और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो आवास होते हैं, जैसे वन का हो गया तो उसको फॉरेस्ट इकोलॉजी कहेंगे, अगर हम लोग ग्रासलैंड को अध्ययन कर रहे हैं तो उसको ग्रासलैंड इकोलॉजी या घास स्थल कह सकते हैं। इसी प्रकार से डेजर्ट इकोलॉजी, मरुस्थल इकोलॉजी हो सकती है, लेक इकोलॉजी, झील की इकोलॉजी हो सकती है। तो इस प्रकार से वहाँ रहने वाले सभी सजीव जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स और उनके जो पर्यावरण है उसके बीच के पारस्परिक संबंधों को अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के स्तर पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें क्या होता है, पारिस्थितिकी या इसका जो हम अध्ययन करते हैं तो इसमें हम लोग इंडिविजुअल का भी अध्ययन कर सकते हैं या ग्रुप का भी, इंडिविजुअल का भी अध्ययन कर सकते हैं। उसके आधार पर इसको आगे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे ऑर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी को स्वपरिस्थितिकी कहते हैं और सिनिकोलॉजी को सम परिस्थितिकी कहते हैं। ऑर्टिकोलॉजी में क्या होता है, इसमें जब हम किसी एक ही प्रजाति के या इंडिविजुअल्स के बीच में हम इंटरैक्शंस का अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। और सिनिकोलॉजी में क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र या स्थान पर संपूर्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले जब सजीवों या पौधों और प्राणियों को एक साथ उनके जो नेचुरल हैबिटेट या प्राकृतिक आवास में जब उनको अध्ययन किया जाता है तो उसको सिनिकोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य टैक्सोनॉमिक या वर्गीकीय भी होती हैं, जैसे समिष्टि पारिस्थितिकी, जिसको हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत एक ही प्रजाति या ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीशीज़ का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं, उसको पॉपुलेशन इकोलॉजी कहा जाता है, जिसमें कि एक पॉपुलेशन उसके जीवों का पर्यावरण के बीच में होने वाले इंटरैक्शंस को अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से कम्युनिटी इकोलॉजी हो सकती है, कम्युनिटी इकोलॉजी को हम लोग समूह या समुदाय पारिस्थितिकी भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत एक से अधिक प्रजातियों के जो प्राणी हैं या पौधों का समूह है उनको हम लोग बायोटिक कम्युनिटी कह सकते हैं। और जो प्रकृति में अनेक प्रजातियों के पौधे व जंतु एक साथ पाए जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, और जब उस कम्युनिटी का और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके बीच के जो संबंध हैं उसका अध्ययन किया जाता है तो उसको कम्युनिटी इकोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह से एक और शब्द आता है जिसको बायोम इकोलॉजी कहते हैं। तो इसमें बायोम में क्या होता है, जो प्रकृति होती है इसमें अनेक समुदाय या पादप और जंतु एक साथ रहते हैं, और एक ही क्षेत्र में समान जलवायु में जब ये निवास करने वाले जो समुदाय होते हैं उनको बायोम कहा जाता है। बायोम में जो प्लांट्स वगैरह जो पाए जाते हैं उसमें कुछ जो है वो चरम अवस्था, अगर हम सिनिकोलॉजी के आधार पर बात करें तो उसमें कुछ जो है वो चरम अवस्था या क्लाइमेक्स स्टेज पर होते हैं, अन्य समुदाय जो है वो अलग अलग विभिन्न विभिन्न अनुक्रमण की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं, जिसको हम लोग सक्सेशनल स्टेजेस कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार किसी भी विशेष क्षेत्र में समान जलवायु में या बायोम में विभिन्न समुदाय जो है पाए जाते हैं, और उन समुदायों का संयुक्त रूप से इनके पर्यावरण के बीच में
जो क्रियाएं होती हैं, जो पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन होता है उसको बायोम पारिस्थितिकी या बायोम इकोलॉजी कहा जाता है। जैसे सावना ग्रासेस की इकोलॉजी के मैदान हो गए या टुंड्रा रीजन की बायोम का अध्ययन हो गया, तो ये उसके उदाहरण हैं। इसके अलावा एक आता है इकोसिस्टम इकोलॉजी। ये जो परिस्थिति विज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा है जिसको इकोसिस्टम इकोलॉजी कहा जाता है, और इसके अध्ययन क्षेत्र में जो जैव पर्यावरण है जिसमें हम लोग इस तंत्र के सजीव जैव सजीव और अजैव घटकों जिसको हम लोग बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को इकट्ठा किया जाता है, और पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में उपस्थित लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी घटक होते हैं उनकी संरचना और उनकी कार्य प्रणाली का आपसी संबंध जो होता है वो एक डायनेमिक होता है, मतलब उसके बीच में एक गतिशील संतुलन के रूप में पाया जाता है। तो इसके साथ ही इसमें जो ये इकोसिस्टम इकोलॉजी होती है इसमें डिफरेंट पाथवेज होते हैं, डिफरेंट पदार्थों और ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहता है, अलग अलग प्रकार के इसमें साइकिल्स भी चलती रहती हैं। तो जब इसका एक साथ अध्ययन किया जाता है तो उसको हम लोग इकोसिस्टम इकोलॉजी शब्द का उसको इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार की भी टेक्सोनॉमी में जो होती हैं इकोलॉजिकल हो सक इकोलॉजी होती हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को बताते हैं। उसमें अन्य भी शाखाएं हैं जिनको हम लोग अप्लाइड ब्रांचेस कह देते हैं, मतलब कि ये पारिस्थितिकी की विभिन्न अप्लाइड ब्रांचेस हैं। उनके नाम हो सकते हैं जैसे फ्रेश वाटर इकोलॉजी हो सकती है जिसके अंदर मीठे या ताज़ा पानी के जो जलाशय होते हैं उसमें अगर हम लोग इकोलॉजी को अध्ययन करें तो उसको फ्रेश वाटर इकोलॉजी कह सकते हैं। इसी तरह अगर मरुस्थलीय या समुद्री जल के जीवों और जितने भी जीव हैं और जितने भी पादप हैं उनके बीच के पारिस्थितिक अध्ययन किया जाता है तो उसको मेरिन इकोलॉजी या ओशनोग्राफी भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से कई बारी समुद्र के आसपास जो खारे पानी के गड्ढे होते हैं उसमें अगर जो सजीव हैं उनका पारस्परिक अध्ययन किया जाए तो उसको एस्टुराइन इकोलॉजी भी कह सकते हैं। इसी तरह से ये अप्लाइड है, जैसे मैंने आपको बताया टेरिस्ट्रियल इकोलॉजी होती है जैसे जिसके अंतर्गत जो भूमि पर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं जैसे घास है या फॉरेस्ट इकोलॉजी है या डेजर्ट इकोलॉजी है या एग्रीकल्चरल लैंड इकोलॉजी है ये होते हैं। इसी प्रकार से एक और प्रकार की अप्लाइड इकोलॉजी है जिसको हम लोग पादप भूगोल कह सकते हैं, जिसको फाइटो जियोग्राफी कहते हैं। तो इसमें पारिस्थितिकी विज्ञान की ये वो शाखा होती है जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले विविध प्रकार के पौधों के भौगोलिक वितरण या जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन किया जाता है कि मतलब कौन कौन से पौधे किस किस जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जब उसका अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग फाइटो जियोग्राफी कहते हैं। इसी प्रकार से एक और आती है अप्लाइड इकोलॉजी जिसको जीन इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। ये बिल्कुल एक नई तरह की उपशाखा है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीव प्रजातियों के पर्यावरण के प्रभाव से होने वाले अनुवांशिक या जेनेटिकल जो इसमें डिफरेंसेस या वेरिएशंस आ जाती हैं जब उसका अध्ययन किया जाता है उसको जीन इकोलॉजी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से स्पेस इकोलॉजी भी है जिसमें ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों या नभ मंडल में जीव का प्ररूप कैसा है और उसका किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है उसको स्पेस इकोलॉजी भी कहते हैं। इसी प्रकार से एक और आती है जिसको हम लोग पेलियो इकोलॉजी भी कह सकते हैं। तो पेलियो इकोलॉजी जो है वो एक अनूठी शाखा है जिसके अंतर्गत जो जीवाश्म के अध्ययन द्वारा आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो पृथ्वी के पर्यावरण तथा तो उस समय पाए जाने वाले पेड़ पौधों और प्राणियों के साथ साथ उस समय पाए जाने वाले जब पर्यावरण या एनवायरनमेंट का भी अध्ययन किया जाता है तो उस टाइप के जो अध्ययन है उसको पेलियो इकोलॉजी या पूरा पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये एक अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पारिस्थितिकी। इसको हम लोग इसको अगर हम लोग संक्षिप्त में करना चाहें तो इसको हम लोग वर्गीकी के संबंध के आधार पर जैसे पादप या
पादप पारिस्थितिकी और जंतु पारिस्थितिकी, प्लांट इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी में डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार के आवास के आधार पर इसको आवाज कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोलॉजी, ग्रासलैंड इकोलॉजी या मेरीन इकोलॉजी या फ्रेश वाटर इकोलॉजी। इसी तरह से संगठन के आधार पर मैंने आपको बताया कि इसको किया जाता है, जैसे एक ही प्रजाति का हो तो उसको ऑर्टिकोलॉजी कहेंगे, और समुदाय का अगर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो उसको सिनेकोलॉजी कहते हैं। और सिनेकोलॉजी आगे फिर अलग अलग प्रकार के हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था समिष्टि इकोलॉजी या पॉपुलेशन इकोलॉजी, फिर उसके बाद समूह या कम्युनिटी इकोलॉजी, फिर बायोम इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, और इसके अलावा जो एप्लॉयड इकोलॉजी के मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं वो भी इसी में आते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एक इकोलॉजी क्या होती है और उसका जो इसकी डेफिनेशन क्या है और इसमें इसको किस प्रकार से इसमें अलग अलग टाइप्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी। आप लोगों के अभी इकोलॉजी के ही लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे, इसी तरह से आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू।